हेलो गाइस एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रीप के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं आपको कॉलेजेस के अंदर। आपको कौन सी कॉलेज मिली है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। TFWF सीट वाले को अगर आप आउट ऑफ राजस्थान से हो तो उनको भी मिल गई होगी, और जो भी राजस्थान के अंदर है उनको भी जो सीट है जो मिल गई होगी TFWF सीट, जो भी एलिजिबल थे। मैं बता दूं आपको कौन से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एलिजिबल होते हैं TFWF सीट के रिगार्डिंग। तो मैंने एक वीडियो भी बना दी है उसके रिगार्डिंग, TFWF सीट के रिगार्डिंग। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर से लेना कि आपको TFWF सीट का क्या फायदा देखने को मिलता है। तो बात कर लेते हैं कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है कॉलेज के अंदर, कितनी फीस लेके जानी है, और TFWF कैंडिडेट को अगर आपको वो सीट अगर आपकी पसंद नहीं आई, आपकी मन चाही कॉलेज नहीं मिली है तो आपको क्या करना है। तो पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को कुछ नहीं करना, आपको शुरू से लगाकर एंड तक पूरा देख लेना, जो भी आपके डाउट है वो क्लियर होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं TFWF सीट के रिगार्डिंग के बारे में। तो सबसे पहले जो रीप की जो फर्स्ट राउंड के अंदर सीट आती है जो स्टूडेंट को मिलती है वो मिलती है TFWS स्टूडेंट्स को। आउट ऑफ राजस्थान के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी मिल जाती है, एंड जो राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं उनको भी मिल जाती है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर से बताना कि आपको कौन सी सीट मिली है कौन सी कॉलेज के अंदर, एंड आपको अगर वो सीट पसंद नहीं आई है तो क्या करना है आपको। आपको अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर देना है। तो अपवर्ड मूवमेंट की लास्ट डेट के बारे में बात करें तो 24 जुलाई से पहले आपको अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर देना है। और अगर आपको ये सीट पसंद नहीं आई है तो आपको रिपोर्टिंग कराने भी नहीं जाना है। एंड TFWF सीट क्या होती है वो भी बता दूं मैं आपको। अगर आपने रीप के फॉर्म में अपनी जो फैमिली इनकम है जो 8 लाख NM से कम भरी है तो आपको ये TFWF सीट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप कौन सी कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन मिलेगा। एंड इस सीट के रिगार्डिंग आपको जो फीस है जो 50% है जो कम हो जाती है आपकी फीस। एंड आपको अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट के बारे में बात करें तो 24 जुलाई से पहले आपको अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर लेना है। एंड इस ये अगर आपको सीट जो आपको भी मिली है वो अगर आपको पसंद नहीं आई है तो आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर लेना, फिर आपको अपनी मनचाही जो ब्रांच है कॉलेज है वो मिल सकती है अपवर्ड मूवमेंट के दौरान। तो ऑल ओवर मैंने क्लियर कर दिया TFWF सीट के रिगार्डिंग। तो अब बात कर लेते हैं कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको लेके जाना है कॉलेज के अंदर, कितनी फीस कितनी लेके जानी है SFS स्टूडेंट्स के लिए, गैस स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपको लेके जानी है 10th and 12th की मार्कशीट लेके जानी है, एंड आपका इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट लेके जाना है, और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट आपको ये लेके जाना है, एंड आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेके जाना है TC जो स्कूल के दौरान आपको मिल जाएगी, एंड स्कूल की TC लेके जानी है, एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो भी आपको स्कूल के दौरान मिल जाएगा, एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको या तो स्कूल से मिल जाएगा या आप ई मित्र से बनवा सकते हो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने बनवाया नहीं है तो आपको बनवा लेना चाहिए अभी तक। एंड आपको डॉक्यूमेंट्स और कौन से लेके जाना है, आपका एक आधार कार्ड लेके जाना है, एंड इन सारे डॉक्यूमेंट के अलावा और कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो भी बता दूं मैं आपको। एंड जे मेंस की एंड आपकी रीप रैंक जो आई थी उसका आपको प्रिंट आउट है वो लेके जाना है, वो फोटोकॉपी भी ले जाना आप साथ में, सभी की दो दो तीन तीन फोटोकॉपी करवा लेना। एंड आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका एक कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है वो आपको लेके जाना है साथ में, जैसे कि आप EWS से सर्टिफिकेट EWS से बिलोंग करते हो तो आपको EWS का सर्टिफिकेट है जो लेके जाना है। एंड आपको रीप की काउंसलिंग की जो स्लिप होती है वो लेके जानी है, एंड आपका एक एडमिट कार्ड है वो आपको लेके जाना है, एक आधार कार्ड है वो आपको लेके जाना है कॉलेज के अंदर, एंड बैंक डिटेल भी आपको लेके जानी है, बैंक पासबुक वगैरह आप लेके जाना साथ में। एंड आपको डोमिकल सर्टिफिकेट है जो वो लेके जाना है, एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट है तो वो आपको लेके जाना है TC जैसे कि आप बोल सकते हो। ये सारे डॉक्यूमेंट है जो आपको लेके जाना है एक काउंसलिंग के टाइम आपको रिपोर्टिंग कराने जाना है, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट है जो लेके जाने होंगे कॉलेज में। एंड फीस की अगर हम बात करें गैस एंड SFS स्टूडेंट्स दोनों के लिए आपको एक सेमेस्टर की जो फीस होती है वो लेके जानी है, जैसे कि MBM की फीस है, MBM की एक सेमेस्टर की फीस है कम से कम 40,000 रुपये फीस है SFS स्टूडेंट्स की, तो आपको 40,000 के आसपास 40,000 से 45,000 रुपये SFS स्टूडेंट हो अगर आप तो आपको 40,000 से 45,000 रुपये लेके जानी है। वहीं हम बात करें गैस स्टूडेंट्स के लिए तो आपको यहाँ पे 30,000 से 35,000 रुपये लेके जाना है गैस स्टूडेंट को MBM कॉलेज के रिगार्डिंग। वहीं हम बात करें CTI कॉलेज के अंदर, CTI कॉलेज के अंदर आपकी एक साल की जो फीस होती है वो होती है 80,000 फर्स्ट ईयर के अंदर, तो आपको कितनी फीस लेके जानी है फर्स्ट सेमेस्टर की फीस लेके जानी है तो आपको यहाँ पे कम से कम 35,000 से 40,000 रुपये लेके जाना है SFS स्टूडेंट्स को। तो फीस के रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया कौन सी कॉलेज के अंदर कितनी फीस लेके जानी है कौन से स्टूडेंट को, गैस एंड SFS दोनों के लिए मैंने आपको बता दिया है। एंड वहीं हम बात करें एक दो डॉक्यूमेंट और आपको लेके जाना है, आपको जाति प्रमाण पत्र होता है जो आपकी जाति को बिलोंग करता है, कौन सी जाति से आप बिलोंग करते हो तो वो आपको लेके जाना है जाति प्रमाण पत्र। एंड आपको लेके जाना है मूल निवास भी लेके जाना है, मूल निवास सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको लेके जाना है, आप कौन से स्टेट से कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। एंड आपको 8-10 फोटोज भी है जो आप लेके जाना साथ में, और इन सारे जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए मैंने आपको
ज़्यादातर आप सभी सभी डॉक्यूमेंट को आप 3 से 4 फोटोकॉपी करवा लेना, 2 से 3 फोटोकॉपी जो आप करवा के रख लेना। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट है जो आपको जो जेरोक्स कॉपी ही देनी है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देने। जैसे कि मैंने आपको बता दिया 10th एंड 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड वगैरह, ऐसे जो मेन मेन डॉक्यूमेंट है जो इन सब की आपको जेरोक्स कॉपी ही देनी है। बाकी सब आप दूसरे जो डॉक्यूमेंट है वो आप जमा करा सकते हो कॉलेज के अंदर। एंड आउट ऑफ राजस्थान के जो स्टूडेंट है और राजस्थान के जो स्टूडेंट है जो TFWS सीट के अंदर आते हैं, जो बिलोंग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं TFWS सीट के लिए, तो उनके लास्ट डेट के बारे में बात करें, रिपोर्टिंग की लास्ट डेट है 24 जुलाई। से पहले पर आपको रिपोर्टिंग करवा लेनी है अपने कॉलेजेस के अंदर, उसके बाद कि आपकी जो सीट है वो चली जाएगी, फिर अब अगले राउंड में आप एलिजिबल हो जाओगे। मतलब उस राउंड में की जो भी आपकी सीट होगी वो चली जाएगी, फिर आपको अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करना होगा सेकेंड राउंड के लिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए, कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कितनी फीस लेके जानी है, पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन दे दी है मैंने आपको। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ जो भी काउंसलिंग के लिए जा रहा है या जा रही है, तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर देना, उनको भी पता लगे कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कितनी फीस लेके जानी है, कौन सी कॉलेज के अंदर जाना है। तो है ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना आपको कौन सी सीट मिली है, कौन सी ब्रांच मिली है, कौन सी कॉलेज के अंदर। आई होप आपको जो सीट है वो अच्छी ही मिली होगी, नहीं मिली है तो आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर देना। एंड आई होप आज की इस वीडियो में आपको जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगा है, ये वीडियो लगा है, तो इस वीडियो को कुछ नहीं करना, आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो आज इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।